हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो आज का टॉपिक बड़ा विशेष है कि नॉर्मली अक्सर बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर आईटीआई साथ ग्रेजुएशन कर सकते नहीं कर सकते, पॉलिटेक्निक के साथ ग्रेजुएशन कर सकते नहीं कर सकते, पता नहीं क्या कारण है कि ग्रेजुएशन से इतना लगाव है कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहते, जबकि मैं इसको कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये नाला है आईटीआई और पॉलिटेक्निक बीटेक वालों के लिए। तो एनी हाउ, एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जो एक साथ एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये खुशखबरी आपके साथ मैं बांटने वाला हूँ। तो नॉर्मली एक चीज समझिएगा कि अभी तक क्या था कि कभी भी कोई मुझसे पूछता था कि सर आईटीआई के साथ आप ग्रेजुएशन कर सकते नहीं कर सकते या पॉलिटेक्निक के साथ आप ग्रेजुएशन कर सकते नहीं कर सकते। इसी तरह से लगातार बहुत घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर एक रेगुलर कोर्स किया जा रहा है तो क्या उसके साथ दूसरा कोई कोर्स किया जा सकता है। तो अक्सर मैं जवाब देता था कि हाँ भाई, अब एक अगर आपका आईटीआई रेगुलर कोर्स हो गया, आपका पॉलिटेक्निक रेगुलर कोर्स हो गया, तो उसके साथ आप जो प्राइवेट में है, आप प्राइवेट ग्रेजुएशन है वो कर लो या फिर इग्नू से कोई कोर्स है वो कर लो। तो इसी तरह से मेरा जवाब रहता था, लेकिन इसके पीछे कोई आधार नहीं था। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि ये चीज कौन डिसाइड करता है, पहले चीज समझ लीजिए कि ये पावर आप में और मेरे पे नहीं है कि हम यह कह दें और वो आगे जाके जब कहीं गवर्नमेंट जॉब में आप दिखाने जाएं तो उस चीज को मान लें। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा था कि हम बोल देते थे लेकिन उसके पीछे कोई आधार नहीं था, लेकिन अब क्या है जो ये चीज डिसाइड करती है, यानी यूजीसी, ये क्या है, बॉस है, द बॉस, ये डिसाइड करता है कि एक कोर्स के साथ दूसरा कोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये ओवरऑल जितने भी नियम कानून बनाते हैं ये बनाता है। तो इसका यूजीसी की फुल फॉर्म हुई यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन, जिसको बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये बॉस है, ये डिसाइड करेगा। तो अच्छी बात क्या है कि अब इन्होंने ये डिसीजन दे दिया है कि नहीं, अब बच्चे अपने एक रेगुलर कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो इन्होंने अलाउ किया है कि भाई एक कोर्स के साथ, एक रेगुलर कोर्स के साथ दूसरा कोर्स भी आप कर सकते हैं, ये पहले से, काफी पहले से इस बात पे उधेड़बुन चल रही थी। तो तकरीबन 2012 में भी इनकी एक मीटिंग बैठी थी जिसमें ये डिसीजन लेना था, बट उस टाइम ये चीज को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब क्योंकि कोरोना का टाइम है तो कोरोना ने ऐसे ऐसे काम सबसे करवा दिए जो पहले कोई करना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर भी यूजीसी बोर्ड ने भी, क्योंकि अब कोरोना को देखते हुए, उन्होंने अभी अलाउ कर दिया है कि एक रेगुलर कोर्स के साथ आप दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। तो नॉट वन रेगुलर एंड अदर, हाँ, तो बट ये आपको ध्यान रखना है कि एक रेगुलर है तो दूसरा आपका इन इन तीनों मोड से कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो अगर आपका आईटीआई रेगुलर है तो इसके साथ अगर आप दूसरा कोर्स कर रहे हैं, या तो वो डिस्टेंस लर्निंग से होना, डिस्टेंस मोड से होना चाहिए, या पार्ट टाइम मोड से होना चाहिए, ऑनलाइन मोड से होना चाहिए, क्योंकि मेन ये है ऑनलाइन, कि क्योंकि अब कोरोना का टाइम है, सब सब लॉकडाउन है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बच्चा किसी एक उसमें ही उसने रेगुलर को आईटीआई में उसने एडमिशन लिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वो घर बैठा है, या वो ग्रेजुएशन में अगर उसको रेगुलर कर रहा है तो वो घर बैठा है। तो ऐसे कंडीशन में अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि अब ऐसे, ये तो कोरोना का पता नहीं है, आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म भी चलने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में अब आपको यूजीसी अलाउ कर रही है कि अब आप इसके साथ कोई एक दूसरा कोर्स भी इन तीनों माध्यम से आप कर सकते हैं। तो अब वर्तमान के हिसाब से, और जो फ्यूचर किसका है वो ऑनलाइन मोड का है, क्योंकि डिस्टेंस मोड में क्या होता है, जैसे इग्नू वगैरह है वो डिस्टेंस मोड में आते हैं, इसका इतना इफेक्टिवनेस नहीं थी क्योंकि बार बार आपको उस जगह पे जाना आना असाइनमेंट के लिए, तो बहुत सारी चीजें थी। इसके अलावा पार्ट टाइम में क्या होता था कि इवनिंग टाइम में इसकी क्लासेस होती थी, यानी जहां भी आप वो कर रहे हैं पार्ट टाइम में, आप वो फॉर्म भर देंगे तो आपकी उसकी क्लासेस पार्ट टाइम में होती थी, रात को होती थी या इवनिंग के टाइम पर होती थी, तो तब जॉब के बाद आप उसको अटेंड करते थे। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है ये ऑनलाइन मोड है, यानी अब जो जितने कोर्सेज आ रहे हैं आप देखना, लगातार कम्युनिटी टैब में भी मैं डाल रहा हूँ, तेजी से जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ये सब अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म में आ रहे हैं। अगर ऑनलाइन में नहीं आएंगे तो समय के साथ घुस जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज क्लियर है कि आने वाले टाइम ऑनलाइन मोड का ही है, और मैक्सिमम बच्चे अब जो ग्रो करेंगे ऑनलाइन के वजह से ही करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज मिल गई है कि अब एक रेगुलर कोर्स के साथ आप ये भी कर सकते हैं। अब अगेन मैं कहना चाहूंगा कि आप मेरे से कोई कमेंट बॉक्स में आके ये मेरे से मत बोल के मेरा दिमाग मत खाना कि भाई अब आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर लेंगे। तो ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब बेकार है, वो तो नाला है भाई। पहले भी एक वीडियो बना के बता चुका हूं कि अगर आईटीआई के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या उसके साथ ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, गंगा नहा रहे हैं, उसके साथ साथ आप नाले में भी कूदने को तैयार है। तो भाई क्या करना, जैसे अगर आप आईटीआई से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड जो ऑनलाइन बेस्ट बेटर कोर्सेज हैं
उनको आप करें। तो हाल ही में मैंने एक वीडियो शूट की है कि ऑनलाइन के जो बेस्ट कोर्सेज कौन से हो सकते हैं, तो वो दो तीन वीडियो मैं उसमें बना चुका हूँ, तो उन वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि टेक्निकल लाइन में अगर आप आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक के साथ साथ अगर आप उसी से सेम फील्ड से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज आप कौन से कर सकते हैं। और मजे की बात क्या है, आपकी जो सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, डिग्री है, उसके साथ साथ वो भी वैलिड होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, वो मैं दो तीन वीडियो जो मैंने बना रखी है वो उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से चूज करके आप कोई सा भी कोर्स अपने रेगुलर कोर्स के साथ भी करते रहिए। इसके अलावा अब जैसा मर्जी कोर्स करें, सर्टिफिकेट कागज रद्दी के साथ कुछ भी, कहने का मतलब यह है कि अब आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं तो अब दूसरा जो कोर्स करोगे तो उसकी सोच समझ के करना, ऐसा ना हो कि आप रद्दी इकट्ठी करना शुरू कर दो। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन एक भैया रद्दी अखबार किसी को शौक होता ना, कागज अखबार की रद्दी इकट्ठी करना, उसे कभी बेचना नहीं है, उसको इतने बड़े बड़े बंडल ढेर लग जाते हैं। तो ऐसे अगर रद्दी इकट्ठे करने का आपका शौक है तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन करने चले जाना। बट कहने का मतलब ये है कि उसका फायदा तब है कि एक कोर्स के साथ दूसरा ऑनलाइन कोर्स करने का फायदा तब है जब वो सेम फील्ड से हो जिसका इंपैक्ट आपको ज्यादा मिले आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में, या फिर कहीं आप जॉब करने जा रहे हैं तो जब वो देखे कि भाई वो बेटा बंदा आईटीआई की है, आईटीआई के साथ अच्छा अच्छा ये भी है, यानी सेम फील्ड का है, और भैया भाई ने ऑनलाइन ऑनलाइन कर रखा है और बड़े तगड़े तरीके से कर रखा है भैया, यानी इसका मतलब एक्सपीरियंस होगा। तो जब इंटरव्यू में आपसे पूछेगा और आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ें उसे बता देंगे, कहेंगे भैया इसको तो ज़्यादा सैलरी देनी ही पड़ेगी, एक तो ये आईटीआई बड़े अच्छे से कर रखी है, साथ साथ ऑनलाइन इसने कोर्स किया हुआ है, और जब सिमिलर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसे में इसको ज़्यादा पैसे देना बनता है, तो वहाँ पर आपके ज़्यादा पैसे बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी कि सोच समझ के जो दूसरा ऑनलाइन कोर्स करोगे सोच समझ के करना, सर्टिफिकेट कोर्स करोगे सोच समझ के करना, बिना सोचे समझे ग्रेजुएशन पकड़ने मत भाग जाना। इसके अलावा अभी इसकी अधिसूचना या गवर्नमेंट नोटिस या ऑर्डर अभी पेंडिंग है, मतलब यूजीसी ने अभी जो इसकी मीटिंग हुई थी आप ये देख लेना, बगल में मैं आपको इसका अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं, तो इसमें देख के आप समझ सकते हो कि भाई ओवरऑल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसका मिनट ऑफ मीटिंग कह लें या फिर उसका अधिसूचना कह लें या गवर्नमेंट नोटिस कह लें या गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये अभी निकला नहीं है। जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद आप किसी भी अगर कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग है या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो अगर आप उस नोटिस को अपने साथ रखेंगे, तो इनकेस अगर 1% को उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि आपने एक साथ दो कोर्सेज कैसे कर रखे हैं, तब आप वो अपना नोटिस निकाल के दिखा सकते हैं, भाई ये गवर्नमेंट ऑर्डर देख लीजिए, ये गवर्नमेंट नोटिस आप देख लीजिए या अधिसूचना देख लीजिए जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। उम्मीद है आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी, ये वीडियो आपके कितने काम की थी, है नहीं है, इसके अलावा आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। इसके अलावा बगल में देखना जरा भैया, ये वीडियो के बगल में एक लाल सा एक सब्सक्राइबर बटन सा लिखा रहा होगा, उसकी घंटी होगी, तो जाके उस पर थोड़ा कष्ट कर लेना और एक क्लिक उसमें भी मार देना ऑनलाइन वाला, ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए और आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसको भी आप लगातार देख पाएं। इसके अलावा लाइक्स की मैं भी उम्मीद करते हैं, टारगेट बनाते हैं भाई कि चलो यार कुछ तकरीबन 300-350 के बस इसमें लाइक मारो, ताकि आने वाली वीडियोस में हमें और बनाने में इंटरेस्ट आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।